हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी पे। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12th हिंदी दिगंत के पद्य खंड को पढ़ेंगे। चैप्टर है कवि, जिसके कवि हैं भूषण जी। भूषण जी का जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1715 ईस्वी में हुआ था। भूषण जी के पिताजी का नाम रत्नाकर त्रिपाठी है। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। आज का पहला सवाल है, भूषण ने कौन सी कविता लिखी है? ऑप्शन दिया है छपे, पद, कवि या करबा। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, कवित। भूषण की कविता लिखी है। अगला प्रश्न है, कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है? ऑप्शन देखते हैं, कबीर, भूषण, तुलसीदास या सूरदास। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, भूषण। अगला प्रश्न है, भूषण रीतिकाल की किस धारा के कवि हैं? तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन दिया है निर्गुण धारा के, रीति युक्त धारा के, सगुण धारा के या रीति युक्त धारा के। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, रीति युक्त धारा के। अगला प्रश्न दिया है, कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है? कविता के प्रथम पद में जिसमें शिवाजी के बारे में कहा गया है, तो ऑप्शन देखते हैं वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, वीर रस। कवित के प्रथम पद में वीर रस की व्यंजना है। अगला प्रश्न है, कवित के द्वितीय पद में किस रस की व्यंजना है? तो ऑप्शन है करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस या विभक्त रस। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा विभक्त रस। अगला प्रश्न है, भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? जो कवित है वो भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचित है? तो ऑप्शन है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधि या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रजभाषा। भूषण ने ब्रजभाषा में रचना की है। अगला प्रश्न है, छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? जो छत्रसाल की तलवार है वो कौन सा रूप धारण कर रखा है? तो ऑप्शन दिया है रुद्ररस, रौद्ररस, भयंकर रूप, मधुर रूप या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, रौद्र, छत्रसाल की तलवार ने रौद्र रूप धारण कर रखा है। अगला प्रश्न है, छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है? जो छत्रसाल की तलवार है उसने रौद्र रूप धारण कर रखा है, तो काली की देवी को क्या प्रदान कर रही है? ऑप्शन है प्रसाद, भोजन, गहने या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, भोजन। छत्रसाल की तलवार काली देवी को भोजन प्रदान कर रही है। अगला प्रश्न है, लागती की कंठ बैरिन के नागिन सी में कौन सा लंका है? ये जो पंक्ति है वो कवित पद की है भूषण जी की। तो आप देखते हैं ऑप्शन सलेश, रूपक, अनुप्रास या उपमा। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुप्रास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है? जो भूषण द्वारा रचित है? तो ऑप्शन दिया है साकेत, कमायनी, भक्तमाल या शिवराज भूषण। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, शिवराज भूषण। भूषण की रचना है शिवराज भूषण। अगला प्रश्न है, भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है? भूषण ने समुद्र की आग से किसकी तुलना की है? ऑप्शन दिया है छत्रसाल की, शिवाजी की, राम की या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवाजी की। प्रथम पद में है। अगला प्रश्न है, भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है? तो ऑप्शन है श्रृंगार रस, भक्ति रस, वीर रस या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, वीर रस। भूषण के प्रथम पद में वीर रस है।
अगला प्रश्न है, भूषण के द्वितीय पद में किस रस की व्यंजना हुई है? जो छत्रसाल की तलवार के बारे में कहा गया है, तो भूषण के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना है? ऑप्शन दिया है वीर रस, रौंद रस, भक्ति रस या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन बी रौंद रस, जो है ना उसमें छत्रसाल की तलवार है, रौंद रस है उसमें। अगला है, प्रलय भानु तम तोम में कौन सा अलंकार है? प्रलय भानु तम तोम में, तो इनमें से कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है रूपक, अनुप्रास, यमक या उपमा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन ए रूपक, प्रलय भानु तम तोम में रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न दिया है, किसकी कृति भूषण की है? जो इसमें कौन सी कृति दिया है जो भूषण द्वारा है? तो ऑप्शन दिया है अष्टयाम, शिव बापनी, साहित्य लहरी या चित्र रेखा। तो ऑप्शन सही हो जाएगा शिव बावनी होगा, शिव बावनी भूषण की कृति है। अगला प्रश्न दिया है, कवि भूषण की उपाधि दी थी, कवि भूषण यानी भूषण जी को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन दिया है चित्रकूट के राजा सोलंकी रुद्रशाह ने, भामा शाह ने, टोडलमल ने या अकबर ने। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन ए चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने भूषण को कवि भूषण की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न दिया है, भूषण ने किस रस को प्रमुखता माना है, यानी भूषण जी ने किस रस को प्रमुखता दी है? ऑप्शन दिया है श्रृंगार रस, करुण रस, रौंद रस या वीर रस। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन बी करुण रस। लेकिन दोस्तों इसमें इस सवाल का सही आंसर रौंद रस, वीर रस होगा। भूषण ने वीर रस को प्रमुखता दी है, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, शिवराज भूषण में कितनी अलंकारों का निरूपण हुआ है? जो शिवराज भूषण है, भूषण जी की कृति है, उसमें से किस अलंकार का निरूपण हुआ है, कितने अलंकारों का? ऑप्शन देखते हैं 110, 112, 108 या 105। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन डी 105। शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण किया गया है। अगला प्रश्न है, भूषण की कृति नहीं है, यानी इनमें से कौन सी है जो भूषण की कृति नहीं है? ऑप्शन है भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास या इनमें से कोई या हर्षोल्लास है, चौथा ऑप्शन है। तो ऑप्शन देखते हैं, तो इनमें से भूषण की कृति है भूषण हजारा तो है ही, भूषण उल्लास भी है, दूषण उल्लास भी है, लेकिन हर्षोल्लास नहीं है। तो इनका कृति नहीं है हर्षोल्लास, भूषण की कृति नहीं है हर्षोल्लास। अगला प्रश्न है, भूषण के प्रिय नायक है, भूषण के प्रिय नायक इनमें से कौन है? ऑप्शन है छत्रपति, शिवाजी और छत्रसाल, राणा प्रताप और राणा सांगा, अकबर और मानसिंह या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए छत्रपति, शिवाजी और छत्रसाल भूषण के प्रिय नायक हैं। अगला प्रश्न दिया है, शिवाजी के पुत्र का नाम था, यानी शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? ऑप्शन है रुद्र प्रताप, शाहू जी, भानु प्रताप या यज्ञसेन। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन बी साहू जी, शिवाजी के पुत्र का नाम साहू जी था। अगला प्रश्न है, शिव बावनी में कितने मुक्तक हैं? जो शिव बावनी है शिवाजी की कृति है, तो उसमें कितने मुक्तक हैं बताना है। तो ऑप्शन दिया है 55, 152, 52 या 252। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन सी 52, शिव बावनी में 52 मुक्तक हैं। अगला प्रश्न है, छत्रसाल दशक में छंद है, छत्रसाल दशक में छंद है कितना है बताना है। ऑप्शन है 110, 210, 310 या 10। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी 10, छत्रसाल दशक में 10 छंद हैं। अगला प्रश्न है, भूषण के पिता का नाम था, भूषण के पिताजी का क्या नाम था? तो ऑप्शन दिया है रत्नाकर त्रिपाठी, नंदन त्रिपाठी,
भृगुनंदन त्रिपाठी या शत्रुघ्न त्रिपाठी। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन ए रत्नाकर त्रिपाठी। भूषण जी के पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। अगला प्रश्न है शिवराज भूषण किसकी कृति है। शिवराज भूषण किसकी कृति है। ऑप्शन है मतीराम की, भूषण की, पद्माकर की या बिहारी की। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी भूषण की। शिवराज भूषण की कृति है। अगला प्रश्न है भूषण किस काल के कवि थे। भूषण किस काल के कवि थे। ऑप्शन देखते हैं भक्ति काल के, आधुनिक काल के, रीति काल के या वीरगाथा काल के। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन सी रीति काल के। भूषण रीति काल के कवि थे। अगला प्रश्न है शिव बावनी में कितने मुक्तक हैं। ये प्रश्न दोबारा है, कोई बात नहीं आप देख लीजिएगा। तो शिव बावनी में कितने मुक्तक हैं। ऑप्शन है 50, 52, 56 या 60। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन बी 52। शिव बावनी में 52 मुक्तक हैं। अगला प्रश्न है चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण जी के क्या लगते थे। ऑप्शन दिया है भाई, चाचा, भतीजा, इनमें से कोई नहीं। तो चिंतामणि त्रिपाठी भूषण जी के भाई थे, यानी ऑप्शन ए चिंतामणि त्रिपाठी भूषण जी के भाई थे। अगला प्रश्न है शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है। यानी जो शिवा बावनी कृति है उसमें किसकी वीरता का बखान किया गया है। ऑप्शन है शिवाजी की, शिव जी की, महाराणा प्रताप की या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन ए शिवाजी की। शिव बावनी में शिवाजी के वीरता का बखान किया गया है। आज का अंतिम सवाल है छत्रसाल दशक किसकी कृति है। छत्रसाल दशक जो है वो किन की कृति है। ऑप्शन देखते हैं ध्रुवजय देव की, जयदेव की, भूषण की या मतीराम की। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन सी भूषण की। छत्रसाल दशक भूषण की कृति है। तो दोस्तों इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण सवाल यहीं समाप्त होते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों यदि आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।